क्या नाम है? सतीश। कौन से गांव के निवासी हो? हुसैनपुर के। ये बताइए, जो आज जो लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, इससे क्या हानि पहुंची है? अरे इससे बाजरा और धान सबको नुकसान है, बहुत बड़ो नुकसान हुए, सब बैरे डाले हैंगे, सब मारी उतरा था। अच्छा, पानी इतना भर गया है कि धान ऊपर से पानी निकल गया है धानों के। ये बताइए, जो आलू जिन्होंने किया है उनकी फसल का क्या हुआ? आलू फसल सब नष्ट हो गई। अच्छा, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नाम है शिव कुमार। ये बताइए, जो आज 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? सारी फसल खत्म हो गई। अच्छा, धान बाजरा और आलू की क्या हालत है? ये सब सर जाएंगे। सब चले गए? सब चले गए। पानी भरा हुआ है? पानी भरा खेत में 2-2 फुट ऊंचा। राकेश। ये बताइए, जो आज 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? क्या खेती में फसल असल क्या नष्ट हुई है? फसल कुछ नहीं रहा, सब चलो ही गो, आलू अत्ते बेहू सब चले गए, सरसों बा सब चली गई, और धान उड़ी गए, बाजरा सब कटो पर वो सब चला गया। सब चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ इस बार। भाई कुछ रो ही नहीं कहते हैं। अच्छा, आपका जो बनी आलू डूब गया है, कितना खर्चा हुआ था इसमें? लगभग लगभग 4 बीघा लगभग 50,000 रुपए खर्चा हो गया। बीजा कितने का लिया था आलू? बीजा तो अपने घर का था, लगभग आप आइए समझ ले 20 कट्टा आलू, 15,000-20,000 रुपए 20,000 रुपए खाद भी ऐसे ही पड़ी है, 15,000 रुपए। फिर क्या करेंगे आप? अब करेंगे क्या, फांसी लगाएंगे और क्या करेंगे? क्या हुआ, कितना नुकसान हो गया आपका? क्या कराए थे? सरसों बोई थी, वो सरसों तो बेकार हो गई, खाद भी तब बेकार चला गया हमारा। कितने की सरसों लाए थे आप? सरसों जो है 700 रुपए किलो लाए, इसमें खाद पड़ी, जुताई बवाई सब बेकार चली गई बिल्कुल। फिर क्या दोबारा वही जाएगी, इसमें क्या होगा? बमा ना बमा का अब दोबारा बाई बला रहे ना, कहीं से बही दोबारा? अब कहूँ कचगड़ुआ फिर करी, तब कहूँ लई, तब फिर बही।